हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज मैं आपसे बात करूंगी एक पेपर की जो बहुत ज़रूरी है हमारे हिस्ट्री के, जो थर्ड पेपर है, पेपर थ्री है हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, उसके अंदर उससे रिलेटेड। क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको सारे टॉपिक समझा चुकी हूँ, सारे टॉपिक्स का आपको सिलेबस बता चुकी हूँ। आपको और कोई क्वेरी है आप मुझे बताइएगा, जो आपने पूछी होंगी वो सॉल्व भी मैंने की होंगी, जो आपने चाहा होगा वो मैंने आपको सिलेबस बताया होगा। लेकिन आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो है लास्ट वाला, जो कि हिस्ट्री के पेपर थ्री जो है, मेंस का पेपर थ्री है जो हिस्ट्री का, उसका ही एक हिस्सा है और थर्ड पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का थर्ड पार्ट, उसकी ज्योग्राफी, रिलीजन, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में। तो जो पुरातत्वविद हैं यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, स्थापत्य पहलुओं को समझने में बहुत सक्षम थे। सिंधु घाटी सभ्यता के भूगोल के बारे में मेन थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की चार सभ्यताओं यानी कि मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, इन तीनों के बीच में से सबसे ज्यादा बड़ी थी। चूंकि पहली बस्ती जो थी वो सिंधु नदी के किनारे पर खोजी गई थी, इसलिए पुरातत्वविदों ने सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया था। लेकिन इसके विपरीत ही केवल सिंधु घाटी में लगभग 100 स्थल पाए गए हैं, जबकि 500 से अधिक स्थल घग्गर हकरा नदी के किनारे पर पाए गए हैं। अधिकांश पुरातत्वविद उन्हें दो नदी प्रणालियों के आधार पर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहना पसंद करते हैं, जबकि अन्य उन्हें हड़प्पा सभ्यता के रूप में नाम देना चाहते हैं, क्योंकि इस शहर में, हड़प्पा में पहली बस्ती की खोज की गई थी। और कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार घग्गर हकरा नदी के किनारे के स्थल संरक्षित हैं, क्योंकि वे निर्जन रेगिस्तान में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आकार और स्थान पर पांच महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या पर 9 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली पर 5 फैक्ट्स हैं जो हमें देखने हैं। सिंधु सभ्यता के नगर टाउन की जो वास्तविकता है उसके भी जितने फैक्ट्स हैं देखने हैं। IVC से संबंधित दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड में से कौन से 3 तथ्य हैं वो नोट करने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता और स्वच्छता पर भी 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता और स्वच्छता पर जो 3 प्रमुख फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता थी, दूसरा है सड़कों के किनारे कूड़ेदान होने चाहिए और तीसरा है हर शहर का अपना महान स्नानागार होना चाहिए था। और हमें ये भी पढ़ना होगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म के बारे में 6 प्रमुख तथ्य जो हैं उनकी क्या जानकारी है, और सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, ये भी हमें पढ़ना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के 10 प्रमुख कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखने चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे शुरुआती कपास की खेती करने वाली थी, ये हमें पता होना चाहिए। सिंधु घाटी के अन्य सभ्यताओं के साथ बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार संबंध थे, ये भी हमें पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में दुनिया का पहला बटन बनाने वाली सभ्यता थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी बहुत जानकारी अगर आप उसकी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के सामाजिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी को समझने में हमारी मदद करने के लिए खुदाई में भी बहुत सारे सुराग हमें मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक तथ्यों पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको आप जरा लिख लीजिए और पता करिएगा और उसके बारे में भी तैयारी कीजिएगा। मनोरंजन गतिविधियाँ, शिकार, मत्स्य पालन, क्ले मॉडलिंग, बुल फाइटिंग, फैमिली बॉन्डिंग। अब फैमिली बॉन्डिंग में है, बहुत मजबूत फैमिली बॉन्डिंग थी उनकी। बच्चों को उनके माता पिता द्वारा शिल्प बनाने की कला सिखाई जाती थी, ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि पेरेंट्स उस वक्त भी अपने बच्चों के साथ मिलकर रहते थे और उन्हें सिखाते थे कि किस तरीके से आपको स्कल्पिंग करनी है। फिर है घरेलू सजावट और उपकरण। घरेलू सजावट के सामान या तो तांबे के और कांसे जैसी धातुओं से बने होते थे, या फिर सजावट के सामान मिट्टी के बर्तनों से बने होते थे। कुर्सियों का इस्तेमाल वहां पर किया गया था। रसोई के जो बर्तन होते थे, इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन होते थे जैसे जार,
उपरोक्त वस्तुएं जितनी भी मैंने बताई वो मिट्टी और पत्थर की ही बनी होती थी, बस ये ध्यान रखिएगा। वस्त्र बहुत जरूरी होते थे और वस्त्र जो होते थे वो सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि कपास के बारे में भी अभी मैंने आपको बताया है, ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था। प्रसाधन सामग्री थी उनके पास, क्योंकि महिलाओं ने विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों और फेस पेंट का भी इस्तेमाल किया था उस सभ्यता में। भोजन में चावल, गेहूं, जौ, दूध बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। तिल, मटर जैसी सब्जियां बहुत खाई जाती थी। खजूर जैसे फल खाए जाते थे। मटन, मछली आदि खाई जाती थी। अब अगर हम साक्षरता और स्वच्छता पर आएं, तो व्यापक जल निकासी व्यवस्था स्वच्छता को दिए गए महत्व का ही एक संकेत है। मुहरों पर उत्कीर्ण पत्र साक्षरता का सूचक है। तो ये कुछ और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, और मैं इसके बाद आपके लिए जो बिल्कुल लास्ट पार्ट होगा उसमें लेकर आऊँगी आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में, क्योंकि आपको आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में भी बहुत अच्छे से जानना होगा कि वो क्या है और किस तरीके से वहाँ पर इन सब की भी महत्वता थी और कैसे वो बना था। तो अभी तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। मिलती हूँ मैं फिर आपसे यहीं मिशन JPSC के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। आपकी JPSC परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, Flipkart या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।